बिहार के उद्योग एवं पर्यटन मंत्री नीतीश कुमार ने धनतेरस के शुभ अवसर पर इस अनोखे मॉल को जनता को समर्पित किया। खादी हस्तशिल्प और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के इस प्रयास का मकसद है स्थानीय कारीगरों को रोजगार देना और हमारे स्वदेशी उत्पादों को पहचान दिलाना। मुजफ्फरपुर के पीएनटी चौक पर 41,500 वर्ग फीट में फैले इस मॉल में खादी के कपड़े, हस्तशिल्प और स्वदेशी सामानों की अनोखी रेंज है। यह मॉल एक बड़ा मंच बनेगा जहां हमारे स्थानीय कारीगरों की मेहनत और कला को मिलेगा भरपूर सम्मान। तो आइए इस धनतेरस पर स्वदेशी अपनाएं, खादी पहने और अपने मुजफ्फरपुर का गर्व बढ़ाएं। This news is brought to you by Himalayan International Residential School, Siliguri, West Bengal. ये बहुत प्रसन्नता का विषय है और मुजफ्फरपुर वासियों को आज के दिन, आज धनतेरस है, सबको शुभकामना है। और आज उद्योग विभाग के माध्यम से खादी मॉल जो बन के तैयार था उसको आज विधिवत जनता को सौंपा जा रहा है। आज उसका लोकार्पण, उसका उद्घाटन आज हम लोगों ने किया है और ये बहुत प्रसन्नता का विषय है क्योंकि खादी के साथ साथ जो स्थानीय उत्पाद हैं, जो उद्योग विभाग के विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होते हैं, उनके उत्पाद को भी एक ये बहुत बड़ा मार्केट देगा। और आज से इसकी शुरुआत हो रही है, पटना के बाद ये दूसरा है। विभाग की योजना है कि आने वाले समय में अन्य बड़े शहरों में भी हम, जैसे अभी पूर्णिया में बनना है, गया में बनेगा, दरभंगा में बनेगा, तो बिहार के हर एक प्रमंडल मुख्यालय में एक बनाने की हम लोग की कोशिश है और धीरे धीरे फिर इसको जिला स्तर पर भी हम लोग खादी मॉल को ले जाएंगे।